गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग अलग टाइप का ब्लॉग होने वाला है और शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा। और गाइस, आज एक रेसिपी वाला ब्लॉग बनाएंगे, फूड ब्लॉग टाइप का बनाएंगे। आज एक रेसिपी बनाएंगे घर में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा। आज मटका चिकन, हंडी चिकन, जो भी आप लोग बोलो वही आज बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और देसी स्टाइल में बनाएंगे, एकदम ऑर्गेनिक बनाएंगे। तो ठीक है गाइस, चलिए उसके चलते शाम को जाएंगे हम सब्जी बाजार, कुछ सब्जी वब्जी खरीदेंगे और मटका वटका भी खरीदेंगे। तो ठीक है, चलिए शायद आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स गो। दोस्तों, फिलहाल अभी बाजार पे आ गए हैं और आप लोग देख ही सकते हैं, सब्जी बाजार में आ गए हैं, कुछ सब्जियां खरीदेंगे, अदरक प्याज लहसुन ये सब खरीदेंगे। हांडी चिकन के लिए दोस्तों छोटे छोटे गोल गोल प्याज और थोड़ा छोटा छोटा गोल गोल आलू जो होता है वही खरीदेंगे, और उसके साथ साथ अदरक और लहसुन भी लेंगे। आज दोस्तों हांडी चिकन कुछ नए तरीके से बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी सब्जी बाजार से आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मटके की दुकान की ओर। फिलहाल दोस्तों अभी मटके की दुकान पे आ गए हैं और अभी यहाँ से मटके खरीदेंगे और देखते हैं कौन से साइज में मटके मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिल गई, तो उसका भी थोड़ा बहुत वीडियो कर लिए हैं मटके की दुकान पे। दोस्तों फिलहाल अभी हांडी चिकन के लिए जो कुछ सामान लगता है वो सब खरीद लिए हैं और अभी घर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल अभी चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट किया जा रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम लिए हैं प्याज, तेज पत्ता, गोल गोल छोटा छोटा आलू, दही, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा गोलकी, हरी मिर्च, चिकन मसाला, बस यही दोस्तों हमने लिए हैं इसमें। और थोड़े अलग टाइप के बनाएंगे, तो उसके चलते थोड़ा टमाटर भी लिए हैं, एक टमाटर भी लिए हैं। अभी दोस्तों इनके साथ और एक चीज़ मिक्स कर रहे हैं, दालचीनी, लौंग और इलायची, इस तीन चीज़ों को इसी के साथ मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों और एक चीज़ कहना चाहेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार अपने हिसाब से मिला लेना। दोस्तों ये रहा मटका जो हम बाज़ार से लाए हैं। दोस्तों मैरिनेट किया हुआ चिकन के साथ अभी थोड़ा हल्दी मिक्स कर रहे हैं कलर के लिए, और खुशबू तो बहुत बढ़िया आया है जो सब चीज़ मिक्स किया हुआ है। फिर से अच्छी तरह से मैरिनेट किया जा रहा है और हल्दी को भी मिक्स किया जा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, देख के ही एकदम मुंह में पानी आ रहा है। और अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको फिर से ढक के रख दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैरिनेट किया हुआ चिकन अभी ढक के रख दिया है, वो एक घंटे के लिए अभी छोड़ देंगे ऐसे ही। और अभी इसके साथ साथ अदरक लहसुन जो है वो सब पीस लेंगे। दोस्तों और एक मसाला रेडी किया जा रहा है सिलबट्टा में, जो है लौंग, इलाच, दालचीनी, जावित्री, स्टारफल, इन सबको एक साथ मिला के सिलबट्टा में पीसा जा रहा है और ये बाद में मिक्स किया जाएगा चिकन के साथ। इसमें क्या है कि दोस्तों खुशबू बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है, तो अभी उसी का काम चल रहा है। अभी दोस्तों अदरक और लहसुन सिलबट्टा में पीस ले रहे हैं। एक किलो चिकन के हिसाब से जितना लहसुन और जितना अदरक लगेगा वही हमने लिया है और अभी सिलबट्टा में पीस रहे हैं। दोस्तों हम लोग ये मिक्सर में पीस सकते हैं, पर मिक्सर में नहीं किए, क्या है कि हम सोचे कि जो भी खाएंगे आज वही पुराने स्टाइल में जैसे होता है सिलबट्टा में पीस के वही हम कर रहे हैं। दोस्तों हंडी चिकन के लिए एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो मटके हम बाज़ार से लेके आए ना, उसको थोड़ा 10 से 12 घंटे पानी में भिगो के रखना पड़ता है, क्या है कि उसमें मसाला जो हम डालते हैं ऐड करते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होते और
टेस्ट और खुशबू भी बहुत बढ़िया रहता है और धुआं धुआं सा नहीं लगता है। क्या है कि हम कोयले के आग से करेंगे ना इसको, तो उसके चलते 10 से 12 घंटे वो मटके को भिगो के रखना पड़ता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे देख रहे हैं बहुत बढ़िया से पीसा जा रहा है, जीरा भी पीस लिया हम अदरक और लहसुन के साथ, और अभी पीस रहे हैं लाल मिर्च जो एक ही साथ में सबको मैरिनेट करके एकदम हंडी के अंदर दिया जाएगा। तो अभी देख रहे हैं लाल मिर्च को बहुत बढ़िया से सिलबट्टे में पीसा जा रहा है, और ये देखिए दोस्तों अदरक और लहसुन जो हमने लिए थे वो हमने चिकन के साथ दे दिए हैं। अब इनको भी मैरिनेट करके एक साथ सबको, और ये लाल मिर्च भी मैरिनेट कर देंगे और एक साथ सबको अभी हंडी में डाला जा रहा है, ये देखिए आप। और दोस्तों और एक चीज़ कहना चाहेंगे, हंडी में देने से पहले थोड़ा तेल, सरसों का तेल लेना पड़ता है, और ये देखिए अभी हंडी में डाला जा रहा है, देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। और अभी हंडी में पूरा चिकन को डाल रहे हैं और उसके साथ साथ इनका जो ढक्कन है वो ढक्कन अभी थोड़ी देर बाद बंद करेंगे, उसके चलते पहले आग को जलाया जाएगा, कोयले के आग से होगा आज। ये देखिए दोस्तों अभी चूल्हे को रेडी किया जा रहा है, हम घर के बाहर घर के सामने चूल्हे को रेडी कर रहे हैं। अभी देखिए ये कोयला डाला जा रहा है और थोड़ा बहुत कुछ लकड़ियाँ दे रहे हैं, आग जलाने का काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों आप लोग देख ही सकते कोयला और लकड़ी दोनों ही मिक्स करके दे दिए हैं। दोस्तों अभी आप लोग देख ही सकते हैं मटके का जो मुंह है वो ढक्कन को दे के और आटा दे के एकदम बंद किया हुआ है, एकदम सील कर दिया है। और अभी आग जलने के बाद आग को पहले अंगार की तरह किया जाएगा, उसके बाद कोयले को थोड़ा अंगार की तरह किया जाएगा, उसके बाद ही इसको बिठाएंगे। दोस्तों अभी आप लोग देख ही सकते हैं चूल्हा जल गया है, पर अब ऐसे आग में हम नहीं बिठाएंगे इसको, कोयले को थोड़ा अंगार की तरह किया जाएगा और धीमे धीमे आग में इनको पकने देंगे। अभी ये देखिए दोस्तों अभी चूल्हे में इनको बिठाए थे, तो अभी थोड़ा ढक्कन को खोल के देख रहे हैं कहाँ तक हुआ है और कितना पका है। ये देखिए दोस्तों अभी भी थोड़ा बाकी है और खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम मस्त खुशबू आ रहा है, और अभी थोड़ा और भी आधा घंटा होने देंगे तो पूरा पक जाएगा। अभी इसको चेक किया जा रहा है फिर से दोस्तों, अभी ढक्कन को सील किया जा रहा है, क्या कि ये अभी पूरा पूरी रेडी नहीं हुआ, तो इसको फिर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों हमारा आज का रेसिपी हांडी चिकन मटका चिकन एकदम तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना है, आई होप आर यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर कर देना।